दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, द गोल्डन बाउल, सोने का कटोरा। दोस्तों ये ऐसी कहानियां जो हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये, मैं आपको बता दूं। ऐसी कहानियां लिखी जाती है हमको मॉरल बातें सिखाने के लिए, लेकिन इसको मैंने बोरिंग तरीके से नहीं नरेट किया है, थोड़ा लाइट मैनर में इंटरेस्टिंग तरीके से कॉमेडी बना करके नरेट किया है। आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सेरी नाम के एक किंगडम में सेरेवन नाम का एक बोधिसत्व बर्तन बेचने वाला था। उसके साथ में एक और बर्तन बेचने वाला, लेकिन वो लालची था, थोड़ा ग्रीडी था, एक्चुअली बहुत ग्रीडी था। तो ये दोनों जने तेलिवेस्त्रा नाम की एक नदी को पार करके आंध्रपुरा नाम की एक सिटी में पहुंचते हैं, और सिटी में पहुंचने के बाद क्या करते हैं, अपना अपना व्यापार करने के लिए अपना अपना एरिया बांट लेते हैं कि इन गलियों में तू सामान बेच और बाकी गलियों में मैं सामान बेचूंगा। अब इसी सिटी में दोस्तों एक बहुत गरीब फैमिली होती है जो किसी ज़माने में बहुत पैसे वाली हुआ करती थी। अब इस फैमिली के अंदर दो ही मेंबर्स बचे हैं, एक छोटी बच्ची और उसकी ग्रैंड माँ, जो अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं। इनके बर्तनों में एक ऐसा कटोरा था जो गोल्ड का बना हुआ था, और इनके खाने के बर्तनों से बिल्कुल अलग पड़ा रहता था, कोई काम नहीं आता था। इसलिए उस कटोरे पर मिट्टी चढ़ गई थी और उसका गोल्डन कलर छुप गया था। इन दोनों को तो पता भी नहीं था वो कटोरा सोने का है। अब अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वो ग्रीडी बर्तन बेचने वाला इन्हीं की गली के बाहर से निकला, चिल्लाता हुआ कि पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन ले लो। अंदर से बच्ची ने आवाज़ सुनी तो अपनी दादी को बोली, दादी चलो हम पुराने बर्तनों के बदले एक नई प्लेट खरीदते हैं। तो वो बोली, बेटी हम पहले से इतने गरीब हैं, हमारे पास है ही क्या उसको बदले में देने के लिए। तो बोली, क्यों दादी, हमारे पास वो पुराना सा कटोरा पड़ा है, वो दे देते हैं, वैसे भी क्या काम आता है, उसके बदले में प्लेट ले लेंगे। अब ये दोनों जने ही चाहती थी उस कटोरे से छुटकारा, पड़ा रहता है, कोई काम का है नहीं, उसको देकर कोई नया बर्तन ही ले लेते हैं। वो बुलाती है दादी उसको अंदर, सेलर को, रुको भाई ये कटोरा ले लो, अंदर आ जाओ। उसको अंदर बुला करके बैठाती है, बदले में मेरी पोती को एक प्लेट दे दो। तो बर्तन बेचने वाला उस कटोरे को हाथ में लेता है, जैसे ही लेता है वो कटोरा हाथ में, तो उसका वज़न देख कर इसको थोड़ा सा शक होता है कि देखने में तो पीतल सा लग रहा है, लेकिन वज़न के हिसाब से ऐसा लग रहा है ये सोने का है। फिर वो चेक करता है नीचे अपना निडल, लोगों के पास एक निडल होती है सुई सी रगड़ के, और उसको उसी मोमेंट पता चल जाता है कि उसका शक सही था, ये कटोरा सोने का है और प्योर गोल्ड। अब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऐसे कोई कटोरा देता नहीं है, दादी पोती देखने में बेवकूफ लग रही है, थोड़ा सा दिमाग चलाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखूंगा तो फ्री में मिल सकता है कटोरा, एक प्लेट भी क्यों दूं। तो क्या होता है, ये एक चाल चलता है, ये ऐसे दिखाने की कोशिश करता है ये कटोरा यूजलेस है, उसको जमीन पर फेंकता है गुस्से में, और जहां वो बैठा था घर में अपनी जगह से उठकर जाने लगता है। उस लड़की को बड़ा बुरा लगता है और वो बूढ़ी वाला समझ नहीं पाती दैट व्हाई ही हैड बिकम सो अनॉयड, ऐसे इंसल्टिंग मैनर में उसने क्यों बिहेव किया। और उस बर्तन बेचने वाले के दिमाग में ये था, कभी और किसी और दिन चक्कर लगाऊंगा इस गली से तो शायद ये इस कटोरे से छुटकारा पाने के लिए फ्री में मुझे दे देंगे, थोड़ा सब्र रखता हूँ। ये चाल होती है, जो अब इन दादी पोती को लग चुका है कि ये कटोरा वर्थलेस है तो ये एंड में मुझे ही देंगे, किसी और को नहीं देंगे। अब ये तो वहाँ से चला जाता है उस दिन। अब अगले दिन क्या होता है, ये दोनों सेलर्स अपनी अपनी गलियाँ चेंज कर लेते हैं, और सेरेवन का आना होता है इसी सेम गली में, सेम घर के बाहर, पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन ले लो। तो अंदर से फिर वो लड़की आवाज़ सुनती है और अपनी दादी से बोलती है, दादी चलो ना नई प्लेट लेंगे। तो वो बोलती है, बच्ची तूने देखा ना कल किस तरह से वो सेलर बात करके गया था हम लोगों से, तो आज क्यों लेगा वो, कैसे उसने कटोरे को जमीन पर फेंक दिया था, तूने देखा नहीं क्या, आज फिर वही होगा। तो वो बोलती है, दादी ये कल वाला सेलर नहीं है, वो तो बहुत बुरा था, लेकिन ये तो बड़ा जेंटल लग रहा है, ये ज़रूर वो कटोरा ले लेगा। तो अब ये क्या करती है, अपनी पोती की ईगरनेस देखते हुए उस सेलर को अंदर बुलाया, वो अंदर आता है, इसको बैठाया, और आते ही उन दादी पोती ने वो कटोरा उसके हाथ में रख दिया। ये देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई कि ये तो कटोरा सोने का है। वो दादी पोती इसको टुकुर टुकुर देख रही थी, वो डर गई थी, वो कुछ भूली नहीं कि फिर से कोई इंसल्ट ना हो जाए। तो वो सेलर आगे से ही पूछता है कि अम्मा आप सच में इस कटोरे को बेचना चाहती हैं, मतलब एक्सचेंज करना चाहती हैं बर्तनों से। वो थोड़ा रुक रुक के बोल रहा था, वो भी थोड़ा डरा हुआ था। बस ये लाइन सुनते ही वो बच्ची बोल पड़ी, आप इसके बदले में हमें एक प्लेट दे दोगे। तो वो सेलर बोला, अम्मा ये कटोरा सोने का बना हुआ है, मतलब मैं अपने पूरे बर्तन भी दे दूँ फिर भी इतना नहीं दे पाऊँगा कि इसकी जो कीमत है वो सही सही आपको अदा कर सकूँ। वो सही सही बता देता है ईमानदारी से जो भी था।
तो वो दादी पोती ये बात सुनते ही बिल्कुल झटका सा लगता है उनको। वो बोली, लेकिन बेटा कल तुम्हारे जैसा ही एक सेलर आया था, उसको मैंने ये कटोरा दिखाया तो वो बोला ये बिल्कुल बेकार है, वो जमीन पर फेंक कर चला गया। शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है बेटा, जब तुमने इस कटोरे को छुआ तभी ये सोने का बन गया। अब देहाती औरत थी, ज्यादा दिमाग तो लगाती नहीं थी। इसे तुम ही रख लो और बदले में जो कुछ तुमसे हो सके, जो कुछ तुम दे सको एक्सचेंज में हमको वो दे दो। अब वो भी बड़ा सही आदमी है, ऐसा अगर बोल दिया तो उस आदमी ने क्या किया, अपने सारे बर्तन उसको दे दिए और उसके पास 500 सिल्वर कॉइन्स थे वो भी दे दिए अम्मा को, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत कुछ उसके पास बचता। उसने सिर्फ अपने पास अपना तराजू रखा, अपना एक बैग रखा और नाव में वापस जाने के लिए कुछ किराया रखा। इसके बाद वो कटोरा लेकर चला गया। उसके वहाँ से निकलते ही जाने के बाद वो ग्रीडी सेलर वहाँ पर आया और बोला, अम्मा ओ अम्मा, ला वो कटोरा ला, एक छोटी मोटी चीज़ दे ही देता हूँ तेरे को, बदले में तू भी क्या याद करेगी। उसकी इस बात पर वो अम्मा गुस्से में बाहर आई और बोली, तूने जो कहा था कल वो कटोरा बेकार है, आज एक ईमानदार सेलर आया था और देख उसके बदले में मुझे क्या क्या दे के गया है। ये सुनते तो उसकी आंखें फट गई और वो चिल्लाने लगा, तुमने उसको क्यों दे दिया, वो मेरा था, मैं यहां पर पहले आया था। बहुत दुख हुआ था बेचारे को, इतनी कीमती चीज को हाथ से जाता देखकर पहले तो उसका गला सूख गया, दिमाग खराब हो गया था। वो बोला, बदला तो लेके रहूंगा। वो छाती पीटने लगता है, कपड़े फाड़ लेता है, अपना सामान फेंक देता है, क्यों आया वो यहां पर। वो दादी पोती उसको देखती है, चल बेटी चल अंदर चल, पागल हो गया, सिंह मारेगा। वो भागकर उसको पकड़ने के लिए नदी के किनारे तक जाता है, लेकिन वो तो पहले नाव में बैठ चुका था, नाव बहुत आगे जा चुकी थी। वो पीछे से चिल्लाने लगा, ओ नाव वाले रोक। लेकिन सेरेवन बोट वाले को बोलता है, रोकना मत पागल है, सिंह मारेगा। और ये यहां पर खड़ा खड़ा उसको गालियां देने लगता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।